नमस्कार दोस्तों, मैं भी करना था। आप देख रहे हैं सिंपल टेक्निक चैनल, आपके हमारे सिंपल टेक्निक चैनल में स्वागत है फ्रेंड्स। फ्रेंड्स यहाँ पर मैं बताने वाला हूँ स्टैंडर्ड लाइसेंस। आपको यूट्यूब के तरफ से लाइसेंस जो मिलता है स्टैंडर्ड लाइसेंस, वो क्यों मिलता है और स्टैंडर्ड लाइसेंस क्या है और आपका क्रिएट कॉमन लाइसेंस क्या है, दोनों के बीच में मैं आपको डिफरेंस बताने वाला हूँ कि आप अगर यूट्यूब चैनल बना रहे हैं तो कौन से लाइसेंस को आप एग्री करने से आपका सही रहेगा, आप अपने हिसाब से डिसीजन ले सकते हो। फ्रेंड्स मैं आपको बता दूंगा कि आपका दोनों लाइसेंस का फर्क क्या है और दोनों लाइसेंस में क्या डिफरेंस। अगर फ्रेंड्स जैसे कि यूट्यूब में कोई भी चैनल बनाता हूँ या वीडियो पोस्ट करता हूँ, वहाँ पर मेरे को हमेशा स्टैंडर्ड लाइसेंस इसलिए दिया जा सकता है क्योंकि मैं अपने कंटेंट को जो मेरा रियल कंटेंट जो ओरिजिनल कंटेंट है वो मैं अगर कोई कॉपी करता है तो मैं उसको कॉपीराइट तुरंत कर सकता हूँ, कॉपीराइट क्लेम कर सकता हूँ। फ्रेंड्स अगर आपका क्रिएट कॉमन लाइसेंस है तो आप उसको कॉपीराइट क्लेम नहीं मार सकते हो, अगर आपका स्टैंडर्ड लाइसेंस रहेगा तो आप उसको आराम से कॉपीराइट क्लेम मार सकते हो। फ्रेंड्स और मान लीजिए आपका भी क्रिएट कॉमन लाइसेंस लिया हुआ है और उसका भी क्रिएट लाइसेंस कॉमन लिया हुआ है और अगर आपका वो कोई भी मतलब कंटेंट से या कहीं से भी वीडियो से वो आपका कॉपी कर रहा तो आप उस कॉपीराइट नहीं मार सकते फ्रेंड्स, वो कॉपीराइट नहीं इशू हुआ उसमें, कॉपीराइट आपका अप्लाई नहीं, वो कॉपीराइट क्लेम नहीं कर सकता फ्रेंड्स। तो इसमें बस स्टैंडर्ड और क्रिएट कॉमन का ये फ़र्क है कि स्टैंडर्ड में आप कॉपीराइट क्लेम मार सकते हो और क्रिएट कॉमन में आप कॉपीराइट क्लेम नहीं मार सकते, बस यही फ़र्क था। और वीडियो को ज़्यादा लंबा करके फ़ायदा नहीं आया हो कि आपको समझ में आ गया हो इतना में कि स्टैंडर्ड लाइसेंस से क्या फ़ायदा है और क्रिएट कॉमन लाइसेंस से क्या फ़ायदा है। फ्रेंड्स देखिए, एक होता है कि क्रिएट कॉमन आप लाइसेंस लीजिएगा तो आपको मान लीजिए कोई अगर कॉपी करता है, मान लीजिए आपको वीडियो कॉपी करता है कि शॉर्ट वीडियो आपको कहीं छोड़ता है फ्रेंड्स, तो उसमें क्या होगा, एक एक आपका पॉपुलरिटी बढ़ेगा अगर आप चाहते हो तो। अगर आप चाहते हो कि नहीं कोई आपको वीडियो को कॉपी ना करें तो आप उसको स्टैंडर्ड लाइसेंस में कॉपीराइट मार सकते हो, बट अगर आपका आप चाहते हो कि पॉपुलरिटी बढ़े, आपका नाम बढ़े, तो आप उसको क्रिएट कॉमन पे रख सकते हो फ्रेंड्स। तो बस ज़्यादा डिफरेंस नहीं था, बस इतना ही डिफरेंस था आपको स्टैंडर्ड में और क्रिएट कॉमन में, आपको समझ में आ गया होगा। अच्छा वीडियो को पसंद आए तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को अच्छा लगे चैनल में न्यू आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आज के लिए इतना है फ्रेंड्स, जय जय भारत।